नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास नंबर 7 6 दोस्तों हो गया है। विषय अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एएनएम लेखपाल फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन जो भी भर्तियां आ रही हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वह आप लोग को मैं इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। सभी सीरियल नंबर 1 से लेकर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सितंबर में आपकी पीटी की परीक्षा प्रस्तावित है। दोस्तों जब पीटी आपका निकलेगा, परसेंटाइल अच्छा आएगा, तभी आप अगले लेवल के लिए माने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ चलते हैं और क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों सभी प्रैक्टिस मॉडल पेपर पाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिससे सभी लोगों तक यह स्टडी मटेरियल पहुँच जाए। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग को मैं बताऊँगा। इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के समय में लागू हुआ था, 1793 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून लॉर्ड कार्नवालिस के समय में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है दोस्तों? टॉम्स मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंट में लागू की गया था सबसे पहले। इसमें दोस्तों महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित की जाती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहान के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आर्थिक दोहान। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, पिछली बार पेट में भी आया था सेकेंड मीटिंग वाले पेपर में। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में कलकत्ता के नज़दीक फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया था। भारत में जूट का पहला कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 में खोला गया था। जे एन टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर झारखंड में टिस्को की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण ही है, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। 1857 के क्रांति संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान सकते हैं। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कौन कौन से रहे? बिहार से कुंवर सिंह रहे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली, ये सब दोस्तों भारतीय सेनापति रहे। और फतेहपुर से अजीमुल्लाह, बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, रट लीजिए दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्नन था जो है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। वी डी सावरकर 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वी डी सावरकर ने ही कहा था कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1857 के सरकारी इतिहासकार एस एन सेन थे दोस्तों। अन्य जन आंदोलन हुए थे, आनंद मठ की
कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पूछा गया क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम और आनंद मठ दोनों कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। विद्रोह का नाम दोस्तों, नेता और स्थान कौन कौन से लोग रहे, देख सकते हैं दोस्तों, कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह पंजाब से हैं, पागलपंथी विद्रोह टीपू जी हैं बंगाल से, और फराजी जो विद्रोह हुआ था सरयूतुल्ला बंगाल से हैं, थेलू थम्पी विद्रोह थेलू थम्पी केरल से हैं, कोल विद्रोह बुद्धू भगत छोटा नागपुर से, संथाल सीधो कान्हू बिहार से, मुंडा विद्रोह इसको तो याद रखिएगा दोस्तों, मुंडा विद्रोह बिरसा में हुआ था झारखंड में, मोपला विद्रोह जो मोपला पाबना कृषक विद्रोह जो था दोस्तों 1921 में, अली मुसलियार मालाबार बंगाल में। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास प्रेस, इससे भी क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं ये देख सकते हैं। भारत में प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में स्थापित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स रहे दोस्तों। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विकलिंस ने किया था। पूछा गया क्वेश्चन है, इसको दोस्तों बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र हैं दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। पूछा गया जो क्वेश्चन है, जिस पे मैं टिक लगाऊं दोस्तों उसको जरूर आप लोग कहीं ना कहीं नोट्स जरूर बना लीजिए। बंगाल गजट कोलकाता, यह समाचार पत्र है दोस्तों बंगाल गजट। पूछा गया क्वेश्चन है, जे ए हिक्की सोम प्रकाश 1857 कलकत्ता में, ईश्वरचंद विद्यासागर हिंदू 1878, जी एस अय्यर केसरी 1881 बम्बई तिलक, इसको भी दोस्तों रट लीजिएगा। उतंड मार्तंड 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने किया था। गदर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था दोस्तों, 1913 का है, लाला हरदयाल, इसको भी रट लीजिएगा। न्यू इंडिया 1914 एनी बेसेंट, इसको भी रटिएगा। इंडिपेंडेंट 1919 इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, नवजीवन 1919 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी, यंग इंडियन इसको रट लीजिएगा दोस्तों, 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी ने किया था, और हरिजन का भी जो है 1933 में पुणे में महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों ये दोनों एकदम रट लीजिएगा, और ये दोनों जो है रट लीजिएगा। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय के प्रयासों द्वारा 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। पूछा गया क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोग को बताया था दोस्तों, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को राजा मनमोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। दैनिक समाचार पत्र आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत B.R. अंबेडकर ने आरंभ किया था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ये भी देख लिया जाए। बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने, रट लीजिएगा दोस्तों। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किए जाने वाले सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु विस्टल में हुई थी, जो इंग्लैंड में है दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिसे देश का पथप्रदर्शक भी कहते हैं, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहते हैं।
आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, आत्मीय सभा और तत्वबोधनी। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था और तत्वबोधनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मरंग पांडुरंग द्वारा बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है। आर्य महिला समाज की संस्थापक पंडित रमाबाई द्वारा की गई थी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय एसी वाडिया थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। कलकत्ता रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख की उपाधि थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख की उपाधि थी। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और संस्थापक कौन रहे दोस्तों? ये दयानंद सरस्वती जी रहे। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। पुनः वेदों की ओर चलो, बैक टू द वेदास का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। पुनः वेदों की ओर चलिए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने किया था, इसको भी रट लीजिएगा। बम्बई में डी के करवे के प्रयास से भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा। महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों, संस्थापक कौन रहे और वर्ष यह भी देख लेना बहुत जरूरी है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल हेनरी डेरिजियो 1826 में। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्मरंग पांडुरंग 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है एच वी विलासवती और कर्नल अलकार्ड जो है 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये तो सभी को याद है, 1897 में। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर 1921 में। फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1949 ईस्वी में किया था, पूछा गया क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में। होम रूल लीग आंदोलन, ये सब रट लीजिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन। एनी बेसेंट एवं तिलक ने 1916 में किया था। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में। इंडियन सोसाइटी सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। अभिनव भारत वीडी सावरकर, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा, 1904 ईस्वी में। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां अली बंधु रहे खिलाफत आंदोलन के 1919 में। दोस्तों खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन रहे? महात्मा गांधी द्वारा हुआ था 1932 में। केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार उन्मुक्त कराना था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण का मुख्यालय वेल्लूर में खोला गया था। दयानंद सरस्वती 1857 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना के लिए किया गया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं, तो दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की थी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे।
और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में की गई थी। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह निषेध से था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 18 वर्ष आवश्यक थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले रहे दोस्तों, भारत सेवक समाज। शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय शासन संचालन हेतु तो पारित किया गया पहला अधिनियम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा जो कुछ अधिनियम हैं उससे भी प्रश्न बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। विलियम पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। पिट्स के इंडिया एक्ट अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 ईस्वी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल एवं सेनापति दोनों की शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। सरकार के 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा हुई थी। सरकार के भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कायम की गई। ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 से लागू की गई थी। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेंको वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। युद्ध परामर्शदात्री परिषद के गठन की बात अगस्त प्रस्ताव 1940 में की गई थी। कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान बनने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार कार्य किया जाता रहा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले लेक्चर में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ते हैं वह आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।